Assalamu alaikum everyone, welcome to new English lesson. In this lesson we are going to learn the meaning of connotation. So let's begin. Connotation has four syllables and stress is on third syllable, and you will pronounce it like connotation, 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 connotation. Repeat after me, connotation, connotation. And it means suggested or implied meaning. किसी वर्ड या किसी चीज़ के साथ उसके एक्चुअल मीनिंग के अलावा कोई एक सुजेस्टेड और इम्प्लाइड मीनिंग अटैच हो जाए तो उस सुजेस्टेड और इम्प्लाइड मीनिंग को हम कॉनोटेशन कहते हैं. इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे दो वर्ड्स लीजिए, वुमन एंड लेडी. देखिए इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब, इन दोनों वर्ड्स का मतलब सेम है कि एक खातून एक औरत. ये जो दो वर्ड्स हैं वो एक औरत या एक खातून के लिए इस्तेमाल होती हैं. लेकिन लेडी जो है उसके साथ एक एडिशनल मीनिंग जो है वो अटैच है कि जब आप किसी खातून को लेडी कहते हैं तो इससे मुराद आपकी होती है कि एक बहुत ही फेमिनिन किस्म की, एक बहुत ही एलिगेंट किस्म की खातून, एक बहुत ही जिसके साथ ना फेमिनिटी जो है इस वर्ड के साथ अटैच है. ठीक है, एक एलिगेंस इस वर्ड के साथ अटैच है. तो ये जो एलिगेंट और फेमिनिटी जो है इस वर्ड के साथ जो एडिशनली अटैच है इसको आप इस वर्ड का कॉनोटेशन कहेंगे. इसको एक और एग्जाम्पल से समझिए. जैसे तीन वर्ड्स हैं, चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक एंड यूथफुल. इन तीनों वर्ड्स का मतलब जो इनका कहने का मकसद होता है वो ये होता है कि अगर आप किसी को चाइल्डिश कह रहे हैं या किसी को चाइल्ड लाइक कह रहे हैं या किसी को यूथफुल कह रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी उम्र से छोटा लग रहा है. ठीक है, एक बच्चा लग रहा है या छोटा लग रहा है. ठीक है, लेकिन जो चाइल्डिश वर्ड है उसके साथ जो एक कॉनोटेशन अटैच है वो थोड़ी नेगेटिव अटैच है. जैसे अगर आप किसी को कहेंगे कि यू आर चाइल्डिश तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो कहना तो आप यही चाह रहे हैं कि तुम छोटे लग रहे हो या तुम छोटा बिहेव कर रहे हो, छोटों की तरह बिहेव कर रहे हो या बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो. लेकिन उसके साथ एक नेगेटिव मीनिंग अटैच है कि तुम बेवकूफ़ हो, मतलब कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम सेंसिबल नहीं हो. किसी को चाइल्डिश कहने का मतलब ये होता है कि दैट पर्सन इज नॉट सेंसिबल, दैट पर्सन इज नॉट वाइज. वो एक बच्चे की तरह, एक बेवकूफ इंसान की तरह बिहेव कर रहा है. लेकिन इसी तरह से अगर आप किसी को यूथफुल कह रहे हो तो वो इंसान खुश हो जाएगा, क्योंकि यूथफुल के साथ जो कॉनोटेशन अटैच्ड है वो अटैच्ड है कि जैसे आप उसे एक जवान इंसान कहना चाह रहे हो. ठीक है, तो एक पॉजिटिव कॉनोटेशन यूथफुल के साथ अटैच है, जबकि जो चाइल्डिश है उसके साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच है. ठीक है, अब ये जो कॉनोटेशन किसी वर्ड के साथ अटैच होती है वो कल्चरल होती है या समटाइम्स इमोशनल होती हैं. ठीक है, और ये कल्चरली जो है ना ये कॉनोटेशंस डेवलप हो जाती हैं किसी भी वर्ड्स के साथ. जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स के मास्टर लोग होते हैं वो इस चीज़ को बड़ा ध्यान देते हैं, और जब भी वो अपनी स्पीच या बात करते हैं तो वर्ड्स का चुनाव बड़े ध्यान से करते हैं, क्योंकि उसके साथ जो कॉनोटेशंस अटैच्ड होती हैं कि उसका सुनने वाले के दिमाग पे कौन सा इमोशन उसका ट्रिगर होगा. चूँकि उन्होंने पॉजिटिव इमोशंस ट्रिगर करने होते हैं तो उस हिसाब से जो वर्ड्स का चुनाव है वो बड़े ध्यान से करते हैं. ठीक है, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. Our first example is, the dog is a faithful animal but it carries derogatory connotation when its name is associated with people. देखिए dog जो है वो एक नाम है, वो एक जानवर का नाम है, और जो dog है वो बहुत ही faithful animal है, वो बहुत ही वफादार animal है. लेकिन अगर यही नाम हम किसी इंसान को बोलें, किसी इंसान के साथ associate कर दें, तो इसकी जो connotation है वो बड़ी derogatory है. किसी को dog कहने का मतलब ये है कि आप उस इंसान को insult कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ, इस word के साथ जो कॉनोटेशन अटैच्ड है वो बड़ी डेरोगेटरी कॉनोटेशन अटैच्ड है. डेरोगेटरी का मतलब ये है कि बड़ी इंसल्टिंग किस्म की कॉनोटेशन जो है वो उसका जो इम्प्लाइड मीनिंग है, जो उसका सुजेस्टेड मीनिंग है वो बहुत ही इंसल्टिंग किस्म का है. इसलिए किसी को आप डॉग कह नहीं सकते, जबकि डॉग जो है उसके साथ जो अगर किसी जानवर के लिए है तो वो जानवर बड़ा फेथफुल, बड़ा वफादार जानवर है. लेकिन अगर यही वर्ड किसी इंसान को बोल दिया जाए तो इट मीन्स कि आप उस इंसान को इंसल्ट कर रहे हैं. ठीक है, अ सेकेंड एग्जाम्पल इज, रेड कलर कैरीज अ नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ डेंजर. ठीक है, इसी तरह से जो रेड कलर है उसके साथ जो इम्प्लाइड मीनिंग अटैच है वो है डेंजर का. आप देखिएगा जहाँ कहीं भी डेंजर को जो है वो सुजेस्ट करना हो तो उसके लिए हमेशा रेड कलर को जो है ना वो लगाया, इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह से देख लें जितने भी डेंजर के साइन बोर्ड्स हैं वो रेड कलर में होते हैं. इसी तरह से जैसे कहते हैं उर्दू में लाल झंडी दिखाना, वो जो रेड जो लाल कलर की झंडी होती है उसको लहराने का मतलब यही होता है कि यहाँ पर डेंजर है. तो जो रेड कलर है उसका जो कॉनोटेशन उसके साथ अटैच है वो है डेंजर, खतरे का. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, द लेसन हैज कम टू द एंड. आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू. इफ यू वांट टू नो एनी अदर वर्ड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल मेक अ लेसन फॉर यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन. अल्लाह हाफिज़.